मुताबिक है कि नहीं। ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी सारा साल रेंट आउट रही है लेकिन इनकम सिर्फ 6 महीने की क्रेडिट की गई है। जो भी अनलेट पीरियड्स हैं, अब ये तो नहीं होता कि सारा साल सारी प्रॉपर्टीज लेट आउट रहें, तो कुछ अनलेट पीरियड्स होते हैं, कुछ ऐसा अरसा होता है जिसमें कि प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई थी, उसको आप इन्वेस्टिगेट करें क्या वो वाकया ही अनलेट थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लेट तो थी लेकिन उनका रेंट वसूल भी हुआ लेकिन कंपनी के खाते में नहीं आया। तो एज एन ऑडिटर आपको उसको चेक करना है। उसका चेक करने का तरीका क्या होगा, रेंट रजिस्टर और एक्चुअल फिजिकल रजिस्टर जहाँ पे के प्रॉपर्टी की मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है। फिर जो एक्चुअल रिसिप्ट हुई हैं उनको आप कैश बुक में चेक करें, बैंक स्टेटमेंट में चेक करें और नॉमिनल लेजर में जहाँ पे के रेंट इनकम अकाउंट है उसमें चेक करें कि क्रेडिट किया गया है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम जो आपके पास कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कोई इनकम होती है, या अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट रखवाया हुआ है उससे जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इसका भी बेहतरीन तरीका ये कि अगर आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इनकम्स है, ये नहीं कि कोई एक आध डिपॉजिट है बल्कि आपके काफ़ी डिपॉजिट्स हैं या काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बेस्ट ये है कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग हो, उनकी ड्यूरेशन, उनका इंटरेस्ट पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह रिकॉर्डेड हो। तो एज एन ऑडिटर आप उस इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को चेक करें, फिर आप किसी चंद इन्वेस्टमेंट्स को पिक करें और टेस्ट चेक बेसिस, और उन चंद इन्वेस्टमेंट्स को डिटेल में ऑडिट करें, उनकी इनकम आप रिकम्प्यूट करें, खुद कैलकुलेट करें कि वो इनकम बेसिस सही है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर वो डिपॉजिट है तो जो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट का उसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है उसी रेट पे कंप्यूट करें, फिर आप बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन को वेरीफाई करें, देखें कि वो रीजनेबल है इन हालात के मुताबिक, फिर आप देखें कि वो एक्चुअल रिसीव हुई है कि नहीं, कैश बुक को वेरीफाई करें और फिर नॉमिनल लेजर में देखें। फिर आप एक ख़ास अहम बात जो आपने देखनी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनकम एक्रू तो हो जाती है, आप अर्न तो कर लेते हैं लेकिन वसूल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने नवंबर में 6 महीने के डिपॉजिट के लिए, 6 महीने के पीरियड के लिए बैंक डिपॉजिट रखवाया, अब आपको उसका इंटरेस्ट तो अगले महीने, अगले साल अप्रैल में मिलेगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर 2 महीने अगर गुजर जाएँ तो जब साल ख़त्म होता है दिसंबर में तो 2 महीने की इनकम तो अर्न कर ली गई होगी, तो उसकी अक्रूवल की एंट्री जो है आपको करनी चाहिए। अब ये बात आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से पता चल जाएगी और उस इंस्ट्रूमेंट से यानी वो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उससे पता चल जाएगी कि ये इनकम अक्रू होनी चाहिए, और आपने ये देखना है कि ये इनकम किताबों में ली गई है कि नहीं। अगर इस तरह की इनकम किताबों में नहीं ली गई तो ज़ाहिर है कि प्रॉफिट अंडर स्टेट किया जाता है, बाज़ औक़ात कंपनीज दानिस्ता अंडर स्टेट करती हैं प्रॉफिट और इस तरह के तरीके इस्तेमाल करती हैं। अगर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल, इट इज़ ऑलवेज़ वाइज कि आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लें। अगर आपके पास कंपनी ने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो उस बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन लें कि आपके पास ये डिपॉजिट है कि नहीं। अगर आपके पास किसी और कंपनी का बॉन्ड है या TFC यानी TFC या कोई डिबेंचर्स हैं तो उन कंपनी से आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लें कि वाकई उन कंपनी ने वो इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। इंटरेस्ट इनकम, ये इन्वेस्टमेंट इनकम ही की एक ऑफशूट है, जो आपने डिपॉजिट्स किए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हासिल कीजिए, देखिए कि वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं रीजनेबल हैं, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन रीजनेबल हैं। देखिए 1% पर मंथ इज़ नॉट द सेम थिंग एज 12% पर एनम, इसी तरह 3% पर क्वार्टर इज़ नॉट द सेम थिंग एज 12% पर एनम, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह से फ़र्क पड़ता है। तो ऑडिटर ने ये देखना है कि ये चीज़ें मुनासिब हैं उन हालात के मुताबिक जिस हालात में ये डिपॉजिट किया गया था। जो एक्चुअल इनकम रिसीव हुई है उसका आप अमाउंट रिकम्प्यूट करें, उसे कैश बुक में ट्रेस करें और उसे नॉमिनल लेजर में ट्रेस करें। इसी तरह अगर कोई इनकम अर्न कर ली गई है लेकिन वसूल नहीं हुई और अगर कंपनी ने अपनी किताबों में कोई अक्रूवल शो की है तो उसको ऑडिटर को चाहिए कि डिटेल में चेक करे कि कहीं ये अक्रूवल जो है दानिस्ता ज़्यादा तो नहीं की गई या दानिस्ता तौर पे किसी अक्रूवल को छोड़ तो नहीं दिया गया, तो ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए। इसी तरह जहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हों तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। आज हम एक्सपेंसेस और इनकम के ऑडिट के अख्ताम को पहुँचते हैं। खुदा हाफिज़।